उस तो बाद हिंदुस्तान छड़ के जाएंगे बिचो पाकिस्तान। यार ये चीज़ मेरे वास्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी। मैं कहना वै कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी भी पाकिस्तान के बारे मतलब कि पहले तो ही पेशन गोई कर के हुए सी कि भी पाकिस्तान ने बन के रहना वै। सलाम अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। टाइटल तुसी देख लिया होगा, टाइम आपां बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 500 साल या मतलब कि पहले दे उन्होंने मतलब कि जिहड़ियां पेशन गोईयां कीतियां सी वो पूरियां हो रही हैं। तो पहले आपां वीडियो देखने हैं, उस तो बाद आपां रिएक्ट करने हैं। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। वीडियो स्टार्ट करो तो पहले असी अपने नवे आने वाले कहेंगे साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन का बटन दबाओ, वीडियो में लाइक करो और थले कमेंट लाजमी करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करने गो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी गल करन जा रहे हाँ तन धन कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के भविख बचना दे उपर, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 100 साखी विच अंकित किए हैं। धन धन कर दश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 100 साखी विच 500 दे करीब भविखबाणियां कीतियां हन, जिन्हां विच अज ऐसी कुछ खास भविखबाणियां की चर्चा करन जा रहे हाँ, जिस विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी के राज बारे, भारत विच अंग्रेजां दा राज अते भारत ते पाकिस्तान दी वंड दे बारे लिखिया है, जिस विच मतलब ए भी लिखिया है कि दरबार साहिब ते 1984 विच रंडी दे राज विच हमला होवेगा अते इस दे नाल ही खालसा राज दे गल भी दसी गई है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे द्वारा लिखे गए सारे भविख बचना बारे चर्चा करते हाँ। 100 साखी विच महाराज जी लिखते हैं, पहला भविख बचन, महाराजा रणजीत सिंह जी का राज आवेगा, खालसे का राज बधेगा, जिस विच हिंदू मुस्लिम सिख सब हर व्यक्ति शांति दे नाल रहेगा। इस तों बाद भारत ते अंग्रेजां दा 200 साल राज होवेगा अते पंजाब ते महाराजा रणजीत सिंह तों बाद 100 साल अंग्रेजां दा राज होवेगा ते महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज दा पतन हो जाएगा। पंजाब उपर 100 साल राज करन तों बाद ते भारत उपर 200 साल राज करन तों बाद अंग्रेज जदों भारत नूं छड्ड के जाणगे उस समय भारत की वंड होवेगी अते एक पाक नाम का बखरा देश बनेगा। पाक का अर्थ हुंदा है पवित्र। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। अजिहा ही होया 1947 ईस्वी विच अंग्रेज भारत नूं छड्ड के चले गए अते भारत अते पाकिस्तान की वंड हो गई ते एक बखरा देश बनिया जिसका नाम है पाकिस्तान। इस तों अगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दूजी भविखबाणी करते हैं, भारत पाकिस्तान बनने तों बाद भारत अते पाकिस्तान के विचकार आपस में दो तीन जंगा भी लगनगियां और एक जंग अजिही होवेगी जिस जंग तों बाद ढाका बंगाल बखरा मुल्क बनेगा। भारत पाकिस्तान की वंड तों बाद बंगाल पहला भारत का ही हिस्सा सी पर जो हुण इस समय बखरा मुल्क बन चुका है जिसका नाम हुण बंगलादेश है। इस तों बाद ये देश भारत ते पाकिस्तान की वंड दे समय 1971 दे विच होंद विच आया सी। इस तों बाद 1984 दे अटैक दे बारे 100 साखी विच गुरु साहिब जी दे विचार इंज लिखे हन, दिल्ली ताकत पर रंडी का राज चले, फौज चढ़े हरिमंदर में, इतना खून बहे कि घोड़े का खुर भिज जावे। घोड़े का खुर भिजना मतलब है इतना खून बहेगा कि जिस विच घोड़े के पैर भी लुक जाएंगे। 1984 विच रंडी इंदिरा गांधी राज ते बैठी सी, भारत के राज ते बैठी सी अते उसने अपने राज विच फौजां भेज के दरबार साहिब जी ते अटैक करवाया। इस बारे सारी संगत भली भांति जानती है। इस बारे कलगीधर जी ने पहला वचन कर दिते सन। 1984 विच दरबार साहिब विच जो अटैक होया उस समय इतना खून खराबा होया सी कि इसकी गवाही पंजाब का बच्चा बच्चा भी दे सकता है। बिल्कुल सही गल है। उधर 1971 ईस्वी विच भारत ते पाकिस्तान की जंग लगी सी जो 14 दसंबर 1971 ईस्वी नूं शुरू होई ते 17 दसंबर 1971 ईस्वी तक लगी रही। उस समय पंजाब विच ब्लैकआउट का समा सी, अर्थात उस समय कोई भी व्यक्ति अपने घरां विचों बाहर नहीं निकल सकता सी ते कोई भी दीवा बत्ती नहीं जगा सकता सी। जनरल जया खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति सी उस समय अते भुट्टी मंत्री सी। एक सिख ने अजिही रणनीति नाल युद्ध लड़िया के पाकिस्तान नूं उस सिख दे अगे आत्म समर्पण करना पिया। उस सिख का नाम सी जनरल जगजीत सिंह, जिसने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों नूं अपने सामने झुकने लई मजबूर कर दिता सी। अजिही है सिख कौम अते सिंघां दी दास्तान।
17 दसंबर 1971 ईस्वी नूं पाकिस्तान ने हार मन लई और 18 दसंबर 1971 ईस्वी दे अखबारां विच आ गया कि बंगाल ढाका जो बखरा देश बन चुका है जिसका नाम हुण तो बंगलादेश रख दिता गया है। इस दोनों घटनावां बारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 100 साखी विच पहला ही लिख दिता सी। इस साखी दे अगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खालसे दा राज आउण बारे लिखते हैं। इस तो पहला यह भी लिखा है कि खालसे राज तो पहला मलेस खालसा होगा। मलेस खालसा अर्थात मैली बुद्धि वाला जो पराई इस्त्री नाल संग करे झूठ बोले अपने मुनाफे दे लई देश कौम नू बेच खावे अते गुरबाणी का पाठ सिमरन ना करे किरपाना पा के शराब पीवे इस नू मलेस खालसा कहा गया है। महाराज लिखते ने मलेस खालसा बहुता होगा तब मलेश खालसा बहुत होसी आंत और अजिहा ही हो रहा है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बज्र ग्रहता तो दूर रहन दी गल कीती है उसके उल्ट आज दा सिख चल रहा है इसनू ही मलेश खालसा कहा गया है। अगे महाराज लिखते हैं कि इस तो बाद पाकिस्तान दे नाल हिंदुस्तान की बड़ी जंग होगी ते पाकिस्तान की होंद ही धरती तो मिट जाएगी। उस समय दिल्ली तख्त से खालसा राज दा झंडा झूलेगा ते खालसा राज आवेगा ना कोई इस राज विच भुखा रहेगा ते ना कोई नंगा रहेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी विच अंकित करते ने हुण हुक्म हुआ मेहरबान का पै कोई ना किसी रुझान का सब सुखाली बुटियां हुण हुआ हमेली राज जियो। ओ हमेली राज खालसे दा राज होना है। फिर लगातार गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है कि लगातार 500 साल खालसे दा राज रहेगा इस तो बाद पूरी दुनिया विच खालसा राज फैलेगा। खालसा राज जो लैके आवेगा उस सिख दा नाम 100 साखी दे विच दलीप सिंह लिखा है जो खालसे दा कमांडर बन के खालसे दा राज लैके आवेगा वह काबल तो हुंदा होया पंजाब वल वधेगा। जदों पछम तो लोगों ने आना उस समय पहला काबल तो होंदे हुए दलीप सिंह जी सिंघा की फौज के नाल खालसा राज स्थापित करने लई पंजाब विच आउणगे भारत विच आउणगे। खालसा राज जल्द ही आउण वाला है। इस राज विच उही बचेगा जो जप तप ते सिमरन करन वाला होवेगा। अगर कोई सिख भी दुराचारी अते लोकां दा खून पीण वाला होवेगा खालसा उस नूं भी नहीं बख्शेगा उस नूं भी गड्डी चाड़ देवेगा। इस तरह कई भविखबाणियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 100 साखी विच अंकित कीतियां हन। इस तरह की अगली वीडियो विच मिलांगे जी। सो वीवर्स ये अज की वीडियो जी तुम अपना साढ़े नाल वीडियो देखी है वीडियो बड़ी इंट्रस्टिंग सी मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने मतलब कि काफ़ी अरसा पहले काफ़ी उन्होंने पहले ही पेशेंट गोई कर दी सी 500 पेशेंट गोईया जिदों चंद पेशेंट गोईया ही सानू असी अज आप वेखिया ने जिदे बिल्कुल सच और सही साबित हुई मतलब कि अंग्रेज़ों का दौर होएगा अंग्रेज़ों तो पहले राजा रणजीत सिंह साहब का मतलब कि होएगा पूरा पूरा निजाम होएगा ते ओ 100 साल बड़े अच्छे गुजरन गए ये भी इन्हों की पेशेंट गोई बिल्कुल ठीक है। फिर 200 साल अंग्रेज़ों का दौर होएगा ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर उस बाद हिंदुस्तान छड़ के जाएंगे बिचों पाकिस्तान यार ये चीज़ मेरे वास्ते एक बड़ी इंट्रस्टिंग सी मैं कहना वै कि गुरु गोबिंद सिंह जी भी पाकिस्तान के बारे मतलब कि पहले तो ही पेशेंट गोई कर के हुए सी कि भी पाकिस्तान ने बन के रहना वै यार ये किस तरह हो सकता वै मैनू यकीन नहीं आ रहा कि यार ये हो सकता लेकिन हकीकत गल है क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल सच ने और हकीकत है। फिर उस तो बाद उन्होंने मतलब कि इंडिया दी ते पाकिस्तान दी जंग के बारे दसिया कि जंगा होणगियां फिर इस तरह होएगा फिर हर चीज़ फिर आने वाले वक्त के खालसा जी होएगी खालसा या पता नहीं इस तरह कहते सी खालसा वो मतलब कि अफगानिस्तान तो उठेगी तो वो तबाही मतलब कि हर उस बंदे नू हर उस चीज़ वो निज़ाम नू फना कर देगी जड़ा जुलम नू मतलब कि जड़ा मतलब कि जुलम करता होएगा जड़ा मतलब कि इन सारिया चीज़ों नू ख़त्म कर देगी तो वह फिर आके 500 साल पाकिस्तान इंडिया जिन्ना भी खिता वै इत्थे फिर वो आके हकूमत करेगी हकूमत मतलब कि अपनी पूरी एक सल्तनत बनाएगी तो इतों फिर सुकून जड़ा होएगा फिर वो पूरी दुनिया के फैलेगा। खैर जो कुछ लिखा वै वो तो हो के रहना वै
क्योंकि जिहड़ियां पहले चीज़ां भी लिखियां सी वह भी बिल्कुल सच ने, ते जिहड़ियां बाद चो चीज़ां ने वह भी सच हो के ही रह रही ने। लेकिन खैर असी मुसलमान हाँ, थोड़े जिहे कन्फ्यूज़ है वे, लेकिन खैर ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।